गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में आज हम बात कर रहे हैं काम तालाबंदी और कामबंदी में अंतर। कल हमने हड़ताल और तालाबंदी में अंतर के बारे में चर्चा की थी, आज बात करेंगे तालाबंदी और कामबंदी में अंतर। ये इसलिए दूर लिख रहा हूं क्योंकि बीच में सीधी लाइन लगा देंगे, तालाबंदी और कामबंदी में अंतर। प्रोसीजर वही रहेगा, क्रम संख्या, अंतर का आधार। आपको एग्जाम में भी इस तरीके से ही करना है, ठीक है ना? क्रम संख्या, अंतर का आधार, तालाबंदी और कामबंदी। तो तालाबंदी का सबसे पहले अर्थ की बात करते हैं, इसके बारे में कल भी हम बात कर चुके थे। इसका अर्थ है, पहला पॉइंट, अर्थ नियोक्ता द्वारा क्या कर देना, श्रमिकों को कार्य देने से मना करना। श्रमिकों को कार्य देने से मना करना, ये तो है तालाबंदी। और कामबंदी, इसमें सामान्य रूप से उपक्रम को बंद करना, यानी कि कार्य करना ही बंद कर देता है एक फैक्ट्री का मालिक, तो वो हो जाती है कामबंदी। और इसमें नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को कार्य देने से मना करना और कुछ समय के लिए क्या करना, तालाबंदी कर देना। दूसरा कारण, किस कारण तालाबंदी होती है और किस कारण कामबंदी होती है, ये औद्योगिक विवाद के कारण उत्पन्न होती है, श्रमिकों के कारण भी होती है और औद्योगिक विवाद के कारण भी तालाबंदी उत्पन्न होती है। ये विवाद न होकर मालिक का क्या होता है, आंतरिक मामला होता है, अपनी स्वेच्छा से करता है, उसका आंतरिक मामला है, वो क्या कर सकता है, कमर्जी अपने उद्योग को कार्य बंद भी कर सकता है और चालू भी कर सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है प्रकृति। तालाबंदी अस्थायी प्रकृति की होती है और ये कामबंदी स्थायी प्रकृति की होती है। और आंतरिक मामला क्या है, उसे रोष लग रहा है, अब वो कार्य करना बंद कर देगा, ठीक है ना? उसके बाद प्रतिशोध की भावना। इसमें क्या होता है, नियोक्ता की श्रमिकों के प्रति प्रतिशोध की भावना विद्यमान रहती है। किसके प्रति, श्रमिकों के प्रति प्रतिशोध की भावना विद्यमान रहती है, जबकि यह किसके लिए होती है, जबकि कामबंदी में ऐसा नहीं होता, जबकि कामबंदी में ऐसा नहीं होता, यह अपने हिसाब से की जाती है। उसके बाद इसका पॉइंट आता है उद्देश्य। तालाबंदी का क्या उद्देश्य है, श्रमिकों को कमजोर करना और पीड़ा देना। श्रमिकों को कमजोर करना और पीड़ा देना, ये तालाबंदी का उद्देश्य है। और जबकि कामबंदी का व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है, ये व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है। उसके बाद क्या है, कारोबार का स्थान को बंद होना, या ये लिख सकते हैं हम कारोबार के स्थान का बंद होना। इसमें तालाबंदी में कारोबार का स्थान खुला रहता है, और वहीं रहता है जहां होता है पहले से। और इसमें
नियोक्ता कारोबार को ही बंद कर देता है तो स्थान भी परिवर्तन हो गया। इसमें कारोबार बंद कर देता मतलब तालाबंदी में केवल कारोबार का स्थान बंद होता है जबकि इसमें कारोबार ही बंद हो जाता है। कारोबार का स्थान क्या होता है? कारोबार का स्थान बंद होता है ओनली, कारोबार का स्थान सॉरी बंद रहता है। इसमें कारोबार का स्थान बंद रहता है और जबकि इसमें कारोबार को ही बंद कर दिया जाता है। यह है तालाबंदी और कामबंदी में। अब बात उसके बाद हमने कर रहे थे इसका लास्ट टॉपिक है चंडनी। तो कामबंदी और चंडनी में अंतर के बारे में चर्चा करेंगे अब। उसमें भी इस तरीके से ही अंतर होंगे। इसमें अंतर में सारी डिटेल आ जाती है और अंतर में ही सारा बताया गया है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कामबंदी और छंटनी के बारे में। कामबंदी और छंटनी या इसे ये भी कह सकते हैं हम कामबंदी या कार्य देने में असमर्थता और ये है छंटनी, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? अधिनियम की धारा, यानी कि इसे किस धारा में परिभाषित किया गया है? इसे इस अधिनियम की धारा 2KKK में परिभाषित किया गया है और इसे अधिनियम की धारा 2OO में परिभाषित किया गया है। उसके बाद कामबंदी का दूसरा जो इसका अंतर का आधार है वो है अर्थ। कामबंदी अस्थाई कारण से नियोक्ता द्वारा श्रमिकों का काम श्रमिकों को काम देने से इनकार करना है। अस्थाई रूप से नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को कुछ समय के लिए यानी कि श्रमिकों को काम देने से इनकार करना। और इसमें चंडी में स्थायी रूप से काम देने से मना करना, यानी कि कुछ जो श्रमिक क्या हो जाते हैं जब उपक्रम में कार्य की तुलना में अधिक श्रमिक होने पर, यानी कि ये भी लिख सकते हैं अधिक श्रमिक होने पर छंटनी कर ली जाती है। अधिक श्रमिक होने पर छंटनी कर दी जाती है, ठीक है ना। तो नियोक्ता द्वारा उन उपक्रम में से कुछ व्यक्तियों को स्थायी रूप से कार्य देने से इनकार कर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है अवधि। अवधि, इसकी अवधि क्या होगी? इसमें अवधि कुछ दिनों के लिए अस्थायी रूप से होती है। इसमें अवधि कुछ दिनों के लिए अस्थायी रूप से होती है और इसमें सदैव के लिए सेवा मुक्त कर दिया जाता है। श्रमिकों के ऊपर डिपेंड है ये, सेवा मुक्त कर दिया जाता है हमेशा के लिए, छंटनी जब की जाती है श्रमिकों की। उसके बाद सेवा की निरंतरता। सेवा की निरंतरता, इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत नियोक्ता का कि उसके श्रमिकों की सेवा चालू रहती है। श्रमिकों की सेवा चालू रहती है और इसमें क्या रहती है? जब सेवा समाप्त हो जाती है, जब सेवा मुक्ति कर दिया तो इसमें श्रमिकों की सेवा समाप्त हो जाती है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है संबंध। क्या संबंध रहते हैं उसके बाद कामबंदी में? इसके अंतर्गत नियोक्ता एवं श्रमिक के संबंध बराबर रहते हैं। नियोक्ता एवं श्रमिक के
संबंध बराबर रहते हैं, और इसमें क्या हो जाती है, इसमें संबंध तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं, तुरंत समाप्त हो जाते हैं, इसमें छंटनी कर दी, जिस व्यक्ति को कार्य से निकाल ही दिया तो उसकी छंटनी होगी तो उसके संबंध भी समाप्त। उसके बाद कारखाने की दशा, कारखाने की दशा, काम बंदी में कारखाना बंद हो जाता है और छंटनी में कारखाना निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद पूर्व सूचना, काम बंदी करनी है तो श्रमिकों को पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है, श्रमिकों को पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है, और इसे छंटनी करनी है तो पूर्व सूचना देना आवश्यक है, एक नियम के अकॉर्डिंग 15 दिन, और अगर कोई फिक्स है तो उसे 30 दिन पहले यह सूचना देना अति आवश्यक है। उसके बाद उपस्थिति, इसमें क्या जाता है, इसमें कार्य के समय श्रमिकों को उपस्थित होना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है उपस्थित होना, ये सारी बात श्रमिकों के ऊपर चल रही है, और इसमें जब सेवा ही समाप्त कर दी तो पुरुष क्या कहते हैं, उपस्थित छंटनी हो जाने के बाद उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, छंटनी हो गई तो उसके बाद उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, जब आपको सेवा मुक्ति कर दिया तो आप उस उद्योग में क्यों जाएंगे, क्यों उस उपक्रम में जाएंगे। क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति इसमें क्या होता है, यदि किसी दिन आए हुए श्रमिक को कार्य देने से वो असक्षम रहते हैं, यदि किसी दिन आए हुए श्रमिक को कार्य देने पर असक्षम रहते हैं, कौन नियुक्ता रहता है असक्षम रहते हैं, तो उसे क्षतिपूर्ति के रूप में आधा दिन का वेतन यानी कि उसे दिया जाएगा, अगर उसे बुला लिया और कार्य का कोई कार्य सौंपा नहीं तो उसे आधे दिन का वेतन दिया जाएगा, और इसमें सेवा मुक्त होने के बाद श्रमिकों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति भी पृथक पृथक होती है, अलग अलग होती है, सेवा मुक्त होने के बाद क्षतिपूर्ति पृथक पृथक होती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है क्या, कारणों का उल्लेख, नेक्स्ट पॉइंट, कारणों का उल्लेख, तो काम बंदी में इस अधिनियम के अंतर्गत कारणों का उल्लेख किया जाता है कि आपको किस कारण हम कार्य बंद कर रही है, या श्रमिक को कार्य क्यों नहीं दिया जा रहा, तो भी कारणों का उल्लेख किया जाता है, और इसमें जबकि इसमें कारणों का उल्लेख नहीं किया जाता, इसमें कारणों का उल्लेख नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये हमारे काम बंदी और छंटनी से संबंधित है, तो लगभग हमारी सेकेंड यूनिट सारी कंप्लीट हो चुकी है, कल हम थर्ड यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, इन टॉपिक्स के बारे में ये जो मैंने आज करवाए हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉलेज समय में आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।